हाय गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कई डांसर्स के मन में एक बहुत बड़ा डाउट रहता है कि क्या डांस रियलिटी शो में जाने के लिए पैसा लगता है। तो दोस्तों, इसी डाउट को क्लियर करने के लिए हमें थोड़ा डीपली समझना पड़ेगा। दोस्तों, हमारे इंडिया में फ्रेम प्रोडक्शन कंपनी लगभग सभी डांस रियलिटी शो को बनाती है, और एक शो को बनाने के लिए प्रोडक्शन कंपनी को पहले डांस शो को जज करने के लिए जज की कास्टिंग करनी पड़ती है, और डांस शो को जज करने के लिए जज काफ़ी मोटी रकम प्रोडक्शन कंपनी से लेते हैं। फिर इसके बाद इस शो को बनाने में भी प्रोडक्शन कंपनी करोड़ों रुपए खर्च करती है। अब दोस्तों, शो तो बन गया, लेकिन शो को हिट करने में कंटेस्टेंट और कंटेस्टेंट के बाद डांस रियलिटी शो देखने वाली पब्लिक का बहुत बड़ा रोल होता है। अब मान लीजिए कोई कंटेस्टेंट है जिसका डांस अच्छा नहीं है और वो डांस रियलिटी शो के लिए डिजर्व नहीं करता, लेकिन वो किसी तरह पैसे देकर डांस रियलिटी शो में पहुंच जाता है। अब उस कंटेस्टेंट के डांस वीडियो की शूटिंग होती है, इसके बाद वीडियो को एडिट कर टीवी पर टेलीकास्ट किया जाता है। मैंने पहले जैसे बताया, किसी शो के हिट होने में पब्लिक का बहुत बड़ा रोल होता है, और जब पब्लिक उस कंटेस्टेंट का डांस देखती है तो पब्लिक समझ जाती है कि ये बंदे के डांस में तो कोई बात है ही नहीं, ये डांस रियलिटी शो के लायक नहीं है, फिर इसे क्यों सिलेक्ट कर लिया। और दोस्तों, आज की ऑडियंस बहुत इंटेलिजेंट है, वह सब कुछ जानती है, उसे बेवकूफ़ नहीं बना सकते। इस तरह उस शो को पब्लिक ना पसंद करने लगती है, जिससे उस शो की टीआरपी गिरती है और उसे करोड़ों रुपए का नुकसान होता है। शो को कंटेस्टेंट के थोड़े से पैसों के चक्कर में करोड़ों का नुकसान भुगतना पड़ता है। और दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ एक बहुत टैलेंटेड डांसर है, उसका डांस भी काबिले तारीफ है, और वो रात दिन मेहनत कर डांस रियलिटी शो में पहुंचा है। जब पब्लिक उसका डांस देखती है तो पब्लिक समझ जाती है कि ये बंदा अपनी मेहनत और डांस के दम पर ही इस शो में आया है, और इस तरह लोग उस कंटेस्टेंट को पसंद करने लगते हैं और उसका डांस देखते हैं, जिससे चैनल की टीआरपी बढ़ने लगती है, और उस चैनल पर दिखाए जाने वाले एडवर्टीजमेंट से चैनल वाले काफ़ी पैसे वसूल करते हैं, और जिससे चैनल को और उस शो को बनाने वाले प्रोडक्शन हाउस को करोड़ों रुपयों का मुनाफा होता है। तो दोस्तों, अब आप समझ ही गए होंगे कि कोई भी डांस रियलिटी शो किसी कंटेस्टेंट से पैसे लेकर अपने शो की वाट नहीं लगवाना चाहेगा, बल्कि वह तो चाहेगा कि उसके शो में एक्सट्रीम टैलेंटेड डांसर आए और उसका शो हिट बने। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपको यह समझ आ ही गया होगा कि डांस रियलिटी शो में जाने के लिए पैसे नहीं, बल्कि भर भर कर टैलेंट लगता है। और दोस्तों, यदि आप मेरी बातों से सहमत हैं तो वीडियो को लाइक करें और दूसरे डांसर्स भाई को जरूर शेयर करें, ताकि उन्हें भी मेरे डांस वीडियो से हेल्प मिल सके और डांस फील्ड में आगे बढ़ सके। और दोस्तों, ऐसे ही डांस संबंधित टॉपिक पर वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।